ये ब्लॉक का जो रिपीट रहता है, रिपीट बिल्कुल टूटा हुआ है। ये रिपीट जो है ना मतलब खाके ख़त्म हो गया, तो ये यहाँ से कुनिन लिख कर रहा है, तो इसका ओनर जो है गाड़ी का वो परेशान हो रहा है, क्या हो गया। ये देखिए इसका रिपीट जो है, रिपीट बिल्कुल टूटा हुआ है, खाके ख़त्म हो गया, जंग लग गया रिपीट। ये रिपीट बिल्कुल इधर से इधर सैद है, ये रिपीट है। तो इसको फ़िलहाल अभी करने के लिए तो पूरा अच्छा से खोल रहा हूँ, पूरा आराम आराम उसका निकाल दिया, वो देखिए आ रहा है, मैं उधर रखा हुआ है आराम। तो अभी फ़िलहाल इसका सब निकालने के बाद, सस्पेंशन पूरा डाउन देने के बाद ये कर रहा हूँ, नहीं तो ये पूरा इंजन लेके लैद में जाना पड़ता है। इंजन उतरना मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। तो इंजन का जो है काम, ये बहुत परेशानी वाला काम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार सस्पेंशन डाउन दे के इसका जो वो सामान है ये रिपीट निकाल के फिर नया रिपीट ला के ठोक देता हूँ इसका पूरा। बिल्कुल सेल्फ खोल दिया, सेल्फ खोल के साइड कर दिया। अभी इसका डायनामो खोलेंगे, डायनामो खोलने के बाद फिर इधर से आपका जो दूसरा है ये अंदर में है, ये अंदर में दिख रहा है, ये भी चेंज करना है, ये अंदर में है बिल्कुल, ये भी रिपीट है, ये तीन रिपीट एक साथ चेंज कर देंगे, बराबर मतलब सही हो जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा दोबारा, ठीक है भाई। ये जो दूसरा देख रहा है मतलब ये एक लाइन में चार रहता है, तो दूसरा वाला भी इसका वो लिखिए सर, थोड़ा देख लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ जब खोल गया तो इसको भी काम कर ही देता हूँ, दो जब खोल लिया तो इसका भी खोल देता हूँ। ये एक सही है बिल्कुल, एक एकदम बिल्कुल नया है, सही भी है। तो बाकी तीन कर देता हूँ, तीन करने के बाद देख लेंगे जो होगा, तो बिल्कुल बराबर सही होना चाहिए। जितना भी कुनेन लीक हो रहा है ये तो आखिरी बार नहीं होगा। ये स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन है, तो इसके लिए इंजन भी सीज हो सकता है, क्योंकि वाटर कूलर नहीं रहेगा तो सीज ही होगा ना। डायनामो खोल दिया इसका, अभी बाकी काम करना है। ये डिबुस जो है ये भी खराब है इसका, ये डिबुस हिल रहा है, यह अगर डिबुस इसको चेंज करना है, ठीक है।